देखो सवाल नंबर एक ये क्या और तीन नंबर है क्या है एक में और तीन में फर्क क्या है ये इसमें भी आपके एक प्राइस दे रखा है एक वस्तु का ही इसमें आपके एक वस्तु का प्राइस है जो धीरे धीरे बढ़ भी रहा है समय के साथ और घट भी रहा है मतलब एक वस्तु का प्राइस हो तो कैसे करते हैं दो वस्तु का हो तो आपके बाद में एक एक्स्ट्रा है एक का मैंने बताया था पूरा इधर दो का उधर बताया था मैंने तो वो वाला है आपके दो इसमें आपके एक वस्तु का ही दे रखा मूल्य तो साल के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और ये भी ऐसे दिया हुआ है हमें क्या ज्ञात करना है 2005 को आधार मानते हुए हमें क्या ना सूचकांक ज्ञात करना है 2005 को आधार माना ये वाला मूल्य ये मूल्य हमेशा क्या आएगा नीचे बाद में बाकी सब क्या आएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा आपके करंट ईयर बटा बेस ईयर इंटू 100 कल बताया था वो वही क्या हो जाएगा 5/5 इंटू 100 करंट ईयर भी ये और बेस ईयर भी यही है ये हो गया आपकी 100 7/5 इंटू 100 8/5 इंटू 100 10/5 इंटू 100 200 11/5 इंटू 100 220 12/5 इंटू 100 240 15/5 इंटू 100 300 18/5 इंटू 100 307 जिसमें वो इसमें फर्क क्या है यहाँ पर 2011 तो 2011 2011 में क्या है बताओ 2011 के अंदर कौन सा भाव था 10 का भाव इसको आधार मान लिया मतलब 4/10 इंटू 100 4 का 40 तो 5 का 50 60 70 80 वापस 70 110 10 का 100 और ये कितना हो गया 90 जिसको आधार मानेंगे हर एक में से करना है आपको ये याद करना हो 8/10 इंटू 100 7/10 इंटू 100 11/10 इंटू 100 ऐसे करना है तब